नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। इंडिया का लास्ट विकेट इस नए दिन की शुरुआत करने आता हुआ, देखते हैं आगे क्या कमाल होता है। मैच का पहला गेंद जसप्रीत बुमराह करेंगे सामना, क्विक सिंगल के साथ शुरुआत दिन की। ओवर थ्रो हुआ है और देखे जा रहा है, यही सिंपल सा सिंगल, चार एक्स्ट्रा। लीड की बात हो रही, कितनी लीड चढ़ा पाएगा इंडिया। निराश दिखते हुए बुमराह और गलत तरीके से बैकफुट डिफेंस कर रहे हैं। खुला मौसम, लियोन यहां पर करते हुए गेंद, पहली ही गेंद यहां पर इस नए ओवर की, और लियोन की आज के दिन की चार के लिए जा रही यादव के बल्ले। yes. फ्लिक के साथ इस नए ओवर की शुरुआत भी चार के साथ हो रही है। ये नए सेशन का यहां पर तीसरा ओवर चलता हुआ और चार, जी हाँ, 495 से ये स्कोर बढ़ेगा 499। 438 पे खेलते हुए और बढ़िया फील्डिंग से यहाँ पर कोई रन नहीं लेने दिया। लॉग ऑन का हिस्सा पूरा खाली, वहीं पे किया ये हिट बढ़िया बैट स्विंग के साथ, चार। इस ओवर में एक और निकलता हो, पहले रनिंग के थ्रू, इस बार बल्ले से। 55 गेंदों में 43 कर चुके हैं। एक कवर ड्राइव के थ्रू नहीं, वापसी बहुत सही डिसीजन, फिर से कवर में देखने को मिल रहा है गैप, बैकफुट का एक भाई लगी बहुत बुरी तरह से होगी कलाइयों पे यादव को। बैकफुट पे डिफेंस के लिए रेडी, लेकिन बढ़िया स्विंग करके गया गेंद फिर नजदीक से पल्ले के। लास्ट गेंद बहुत ही बढ़िया लाइन लेंथ से इस ओवर को कर रहे थे, यहाँ पर सिंगल ही दे रहे हैं, बढ़िया ओवर गया। स्टाम्प का साइड करना कितना सही फैसला रहता है थोड़ी देर में पता रहेगा, क्योंकि इससे पहली ओवर बढ़िया गई थी और यहाँ पर बुमराह का ये चार इस बात को सही साबित करेगा कि वो अगर साइड चेंज करें तो बेहतर। इंडियन गेंदबाजी लाइनअप जो है उसने अच्छे खासे रन बना दिए। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खतरा और डायरेक्ट हिट काफी दूरी से, और यादव का फुट भी अधूरा रहेगा, बुमराह बने शिकार यहाँ पे और आसानी से दिया गया। इस थ्रो को जाएगा क्रेडिट, देख सकते हैं फुल शॉट लिया था, वक्त था ही नहीं उनके पास कि वो सेट हो सके, कॉल देना ही नहीं था, रन लेना ही नहीं था, गलती थी। इंडिया यहाँ ऑल आउट हुआ है, लियोन 5 विकेट निकाल कर लीड करके ले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को पवेलियन में। निराश होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, 523 करके गया इंडिया, लीड बहुत ही बढ़िया, 1, 2, 3, 4 पारियां 5 पारियां ऐसे जिसको स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा। रहाने और हनुमा विहारी की सेंचुरी, 80+ रूप गिल, 47 राहुल और 46 यादव। गेंदबाजी में 5 विकेट और लियोन का, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया 270 की लीड का क्या रिप्लाई करता है। कितनी ओवर के लिए, 107, मतलब 7 ओवर का गेम प्ले हमारा हो चुका है, 23 और बाकी। फिंच ऑफ वार्नर, यहाँ पर हम 3 ओवर करेंगे फिर एंड ऑफ द सेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गेंदबाजी मैच का पहला ही गेंद स्लो है, सीधा शॉट, अच्छी सिलेक्शन करूंगा शॉट की। इस लाइन में लॉन्ग ऑन मिड ऑन की लाइन में कोई फील्डर है नहीं, दो आसानी से जोड़ेंगे, 277 पीछे है और उसके बाद लीड चढ़ानी होगी चौथी इनिंग के लिए। फाइनल टोटल यादव यहाँ पर आते हुए, फ्लिक शॉट, फुल शॉट यहाँ पर, फ्लिक की जैसी गेंद थी लेकिन फिर भी उसको दबाया था, काफी बढ़िया रनिंग तो ठीक है। 2 निकाले, 3 का कॉल देते हुए वार्नर, लेकिन फिंच रेडी नहीं है। ओवर 6 रन, मुझे लगा है आज लगेगी इस गेंद, जिस तरह से डिफेंस कर रहे थे इसलिए। क्रॉस गेंद जा रही है वार्नर के सामने, एज लगता हुआ, 1 बाउंस गया है गली में। बुमराह की पेस का अभी तक तो कोई जवाब नहीं, रन आउट अपील हुई है, बहुत क्लोज होगा। फिंच यहां पर क्रीज के बाहर पाए गए हैं और ये डिसीजन कई बार क्या होता है, आपको लगता है आउट है नॉट आउट है, लेकिन अंत में तो भाई AI ही डिसाइड करता है। मेरे हिसाब से ये आउट होना चाहिए, पैर हवा में, पंजा जो था वो आगे की तरफ उठा हुआ था पर टक जस्ट नहीं था, और जी हाँ, इस तरह से आउट हुआ है फिंच, कप्तान फिंच पवेलियन हुआ है बुमराह की तेज दिमाग से, तेज एक्शन से। सेशन लास्ट के 10 ओवर 167 पे 3, वार्नर अच्छा खेल रहे हैं, एक अच्छी संकेत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, अभी भी पीछे है लेकिन मैक्सवेल आ चुके हैं बैटिंग करने, 2 रन आउट हुए हैं यहाँ पर। जडेजा ने भी मानस को आउट किया है, LBW यादव ने किया था। इंडियन फील्डर्स का दबाव और गेंद उछली है यहाँ पर नजदीकी पोजिशन में से, राहुल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने एक और विकेट गंवाया, सेट बैट्समैन वार्नर यहाँ पवेलियन, पुजारा ने किया है कैच, इस बार विकेट आता हुआ जडेजा के नाम। और मेरे गेम प्ले में भाई जडेजा कमाल करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ऑप्शन मिलता है, कहीं ना कहीं तो भाई फिट कर ही देते हैं, अपनी छाप छोड़ देते हैं। वार्नर आउट हो गया, बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया। शार्दुल ठाकुर है नहीं हमारे पास, तो शांत शर्मा को मिलीजिएगा, ग्लव पर फंस गई है यहाँ पर पैड में, लास्ट से मार दी। हाल फिलहाल रनों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, और ये देखिए अपने आप बिना सोचे एच के थ्रू शॉट का स्टोनिस का, 5 रन पीछे और गलतियां करने के बहुत ही करीब है मैक्सवेल। स्टोनिस इस बार बीट है लेकिन रन फिर भी निकाला है,
डिफेंस कर रहे थे, स्विंग हुआ, गेंद बॉडी पे लगा, वहीं के वहीं रुक गया, लेकिन रन एक दौड़े। शॉर्ट पिच गेंद, yes. और एक बार फिर यहाँ पर इस बार थोड़ा सा फेज ओपन किया था बल्ले का, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये एज के थ्रू ही चार चला गया। यहाँ पर मैक्सवेल थोड़ा सा फ्लाइट देना चाहते, बहुत गुड लेंथ गेंद डाल दी और डिफेंस परफेक्ट सीख गए। नया ओवर, एज, लकी लकी स्टॉइनिस फिर से, अभी तक गेंदे बाहर जा रही थी, ये अंदर आ रही है और बीट हुए डिफेंस, फाइनली हमने इनका बीट कराया है। लास्ट गेंद पे यहाँ पर सरप्राइज करना चाहते हैं, फायदा नहीं, कुछ थोड़ी सी मिसफील्डिंग भी देखने को मिली। स्टॉइनिस तेज गेंदबाज के सामने, जो सामने आके शॉट खेल रहे वो बेहतर नहीं, यहाँ पर फिर बॉटम एज लगी है, थोड़ा सा आउटसाइड भी, अचानक से ये टॉप स्पिन गेंद का क्या रिप्लाई देते हैं, डॉट डॉट डॉट, और सेशन समाप्त हो गया है, सेशन टू की समाप्ति होती हुई। और अपने होम ग्राउंड में ऑटो प्ले पे बहुत ही बढ़िया खेलता हुआ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, 101 कर चुके हैं मैक्सवेल, इस सीरीज का ये इनका दूसरी सेंचुरी है, 50 प्लस का स्कोर स्टॉइनिस, मेरे 10 ओवर यहाँ पे बाकी है डे थ्री की समाप्ति में, और ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबर ये आई कि लीड खत्म हो चुकी है, उसके लिए लीड अभी भी 6 की बाकी है, थोड़ी सी गलती हुई थी हमारे वहां पर कैलकुलेशन में, 6 रन और थे, अब 5 की दूरी बाकी। हम नहीं चाहेंगे बुमराह इंजरी में आए, तो मेरे ख्याल से लास्ट ओवर होगा इनका, बढ़िया फील्डिंग यहाँ, 101 पे मैक्सवेल 99 पर यहाँ पर खेल रहे हैं मतलब दे दिए हैं बुमराह ने, और इस चौके के साथ सेंचुरी बुमराह की पूरी, स्कोर बराबरी पे क्या है, और इस बार बीट होते हुए मैक्सवेल, बुमराह एक और ओवर करने आए। अब रीजन ये हो रहा है, मैं इनके बारे में इसलिए ना कह रहा हूँ या नेगेटिव हूँ, क्योंकि इनका स्टेमिना डाउन है, चौका लगा दिया, लास्ट गेंद बाउंस अच्छा पर एज है और बाउंड्री लाइन पर यहाँ रोकी है, गली में डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक, 2 रन दे के जाते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद पे। 75वां ओवर शांत शर्मा को दिया है, फाइन लेग पर जा रहा है ये गेंद 4 के लिए, फील्डर यहाँ से आ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे, 2 चौके, चौक 2 नहीं, यहाँ पर पहले 2 आया था लास्ट गेंद पे, यहाँ पर 9 पे खेलते हुए और फिर वहीं गली में स्लिप में गया गेंद, बहुत ही सही डिसीजन हम स्पिनर को लाने का, क्योंकि तेज गेंदबाज को तो लीव करे जा रहे हैं, अब स्पिनर से ही उम्मीदें हैं हमें, 2 नहीं लेने देना है और लेने दिया है भी नहीं। लेग साइड पर भी शॉर्ट पोजीशन में फील्डर, और इस बार पैरों ने बचा लिया, गई है बैट पैच लग के आउट होने के बहुत ही करीब, जाड़ू शॉट हेल्प करेगा इनको, कुछ और दो रन लेंगे, 3 नामुमकिन लगता है, और बढ़िया सर्वाइव किया, ये भी वापस भेजा बाउंसर्स को लीव करते हुए, ये क्या बाउंसर, एक्चुअली मैं डाल भी ना, यॉर्कर डाल रहा हूँ, पता नहीं किस लॉजिक से, 10 कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पीछे गए, से फाइनल पे ढकेला, सिंगल निकाला लास्ट गेंद पे, स्ट्राइक आउट, रन आउट होना, अपील तो हुई है लेकिन ये क्यों 2 रन लेते, ये नहीं समझ में आया, अचानक से वो उम्मीदें छोड़ दी थी हमने, ये जो हुआ है अब ये मजाक का टेस्ट मैच नहीं है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज में बराबरी की बात आ रही है इंडिया के लिए, रन आउट हुए हैं मेरे हिसाब से, मस्ती पड़ गई भारी यहाँ पे, एम्पायर का डिसीजन क्या आता है, आउट का आया, स्टॉइनिस को जाना होगा यहाँ पे, रन आउट बुमराह के नाम, सफलता इंडिया को, एक तरीके की चुनौती इस लेफ्ट हैंडेड को आउट करने की, हमें 1 बाउंस नहीं है, दूर गिरा है स्क्वायर में, कप्तान रहाने गेंद के पीछे रोक नहीं पाए हैं, चौका लगता है वो कैरी का, कैरी 4 गेंदे 5, भाई हर गेंद को लीव कर रही है तो ज्यादा हो गया लीव करना, बहुत देर के बाद लेफ्टी के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है, डॉट गेंद क्रॉस डिफेंस कर रहे हैं, इस बार बाहर ले जाना चाहेंगे गेंद को, फायदा नहीं, सीधा ही खेल रहे हैं, सीधे बल्ले से यहाँ पर मैक्सवेल को लगी है गेंद, उन्हें कोई पड़ी नहीं है, रन तो दौड़ेंगे नहीं वो। 10वां ओवर हमारे सेशन का, एज लगी है, बहुत ही नजदीकी मामला, मैक्सवेल यहाँ पर आउट होंगे, बाउंस नहीं खेल रहे थे तभी ठीक थे, अब खेलना शुरू किया, पहली गेंद पे शांत शर्मा को विकेट दे दी, DRS नहीं लिया, मैं मानता हूँ सही फैसला है, जिन लोगों ने कल का मैच देखा होगा उन्हें आइडिया होगा कैसे कैसे DRS लिए जा रहे हैं, थोड़े से घबरा गए थे, आगे खड़े थे, सेंचुरी लगाई मैक्सवेल ने, काम अपना किया, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है, लीड चढ़ाना बाकी है इंडिया को। चौथी गेंद स्टंप्स की तरफ, फिर से बीट होते हुए यहाँ पे लियोन, पहले विकेट निकाला मैक्सवेल का, इस बार बीट करा यहाँ पे शांत ने, सबसे अच्छी बात ये मेरे हिसाब से 250 मिनिमम लीड देनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन मिनिमम देनी चाहिए 250 की लीड, और यहाँ पर डे एंड, जैसा हमने कहा था 10 ओवर तो ऑस्ट्रेलिया काफी पीछे इस मैच में, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पास चांसेस नहीं है, लीड ले चुका है थोड़ी बहुत, 4 विकेट हाथ में है, सरप्राइज परफॉर्मेंसेस देने होंगे लियोन को, एलेक्स कैरी को साथ देना होगा, एलेक्स कैरी को एक बड़ी पारी खेलनी होगी और बाकी के खिलाड़ियों से साथ की उम्मीद होगी। इंडिया की यहाँ पर फील्डिंग ने देख सकते हैं 2-3 रन आउट निकाले और बाकी का काम गेंदबाजों ने किया है, बुमराह को विकेट मिला नहीं, बाकी सब ने निकाला विकेट, लीड इंडिया के
ऊपर 22 किया है, जो काफी छोटी है, 250 के अंदर रहती है, तो इंडिया वहां आराम से मैच जीतेगा। जो भी होगा जैसा भी होगा पता लगेगा डे 4 में। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक गोल 1000 का है भाई, उसे पूरा करा देना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।